तो मुसाफ खाना के इस मीटिंग में सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम लोग इतनी देर से आपके बीच में पहुंचे कि बीच बीच में स्वागत हो रहे थे और मीटिंग्स भी आज ज़्यादा थी, तो इसके कारण मैं सबसे क्षमा चाहते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। भैया शांत रहेंगे तो फिर मैं बात कर पाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि मैं 1983 में 22 साल की उम्र में यहाँ पे अमेठी में आया था। राजीव जी के संरक्षण में मैंने यहाँ पे काम किया, बहुत सी चीजें उनसे सीखी मैंने जिंदगी के अंदर कि किस तरह मतदाता का सम्मान होता है, किस तरह से यहाँ की जनता के लिए काम होते हैं, ये मैंने उनसे सीखा। उसके बाद मैंने सोनिया जी से बहुत सी चीजें सीखी, राहुल जी नई सदी के नेता थे, उनसे भी काम करने का तरीका मैंने सीखा। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ऋणी हूँ गांधी परिवार का कि जिन्होंने एक प्रत्याशी बना के मेरे को आपके बीच भेजा। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान जो दिया है, इसका पूरे देश में एक संदेश किया है। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, यहाँ पे इसी AIH इंटर कॉलेज में पिंकू जी का कॉलेज था, उसके अंदर कितनी स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई आपस में बैठ के इलेक्शन की, और यहाँ पे किताब की दुकान के ऊपर बैठे के हम लोग चाय वाय पिया करते थे। मेरे को वो जमाने याद हैं कि आप लोगों के बीच में बैठ के किस तरह का एक सम्मान आप मेरे को देते थे और मैं आपको देता था। वो परस्पर 40 साल का संबंध जो मेरा आपसे है, वो एक सेवा का भाव था मेरा जो आपके प्रति रहा हमेशा और आगे भी रहेगा। मैं यहाँ पे किसी गलत फहमी में नहीं हूँ कि मैं यहाँ का नेता हूँ या मेरा मैं कोई बहुत भारी यहाँ पे कोई बड़ा क्रांतिकारी नेता हूँ। तो भाषण देने की कला मेरे में कम है, जरा संवाद करने की कला मेरे को ज्यादा आती है, संवाद ही किया आप लोगों के साथ। और मैं ये क्योंकि मेरे को कभी भी गलती फहमी नहीं अपने बारे में, यहाँ जो कुछ है वो गांधी परिवार का है, उनकी कृपा है और आपकी साथ है तो हमारी ताकत बनती है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। आपकी ताकत हमारी ताकत है और गांधी परिवार का आशीर्वाद हमारी ताकत है। जिस तरह आप लोगों ने राजीव जी के इलेक्शन, सोनिया जी के इलेक्शन, कैप्टन श्री शर्मा के इलेक्शन और उसके बाद राहुल जी के इलेक्शन लड़ाए हैं, तो उसी तरीके से आपको वही सेक्टर वाइज बूथ वाइज तरीके से कमेटियां बना के इलेक्शन लड़ना होगा। तो अब जैसे जैसे इलेक्शन के दिन जाते जा रहे हैं तो बूथ पे बात चली जा रही है, तो हमारा ये है बूथ के ऊपर जितने भी यहाँ नेता बैठे हैं सब किसी ना किसी बूथ से आते हैं, तो मेरा ये गुजारिश रहेगा सब नेताओं से कि अपना प्रचार तो करिए लेकिन अपने बूथ को देखिए, क्योंकि बूथ से ही आप लोगों की वो होगी कि आपने कितनी मेहनत किया है, बूथ का रिजल्ट उसको बताएगा। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि इलेक्शन का 18 तारीख को खत्म हो जाएगा प्रचार, 19 को आप संपर्क जनसंपर्क कर सकते हैं और 20 को पोलिंग का दिन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।